नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारे पास Realme 10 Pro Plus एंड Realme 10 Pro दोनों ही डिवाइस 5G है, और आज हम करने जा रहे हैं दोनों फोन के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और देखते हैं कि इन दोनों फोन में से आपको किस फोन की स्पीड परफॉर्मेंस एक दूसरे से बेहतर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन से। बात करें सबसे पहले Realme 10 Pro Plus 5G की, तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 1080 ऑक्टा कोर CPU। ग्राफिक्स के लिए इसमें आपको माली G68 GPU मिलता है। यह फ़ोन Android 13 पर रन करता है। इस फोन में आपको 6GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज मिलता है। 5 AMAH की इसमें आपको बैटरी मिलती है। प्राइस की बात करें तो यह फ़ोन आपको लगभग 25,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। अब बात करें Realme 10 Pro 5G की, तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है Snapdragon 695 ऑक्टा कोर CPU। Adreno 619 इसमें आपको GPU मिलता है। यह फ़ोन भी Android 13 पर रन करता है। इस फोन में भी आपको 6GB की रैम एंड 128GB का स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर भी आपको 5 AMAH की बैटरी देखने को मिल जाती है। इस फ़ोन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों यह फ़ोन आपको लगभग 19,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच एक रीबूट टेस्ट, और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले रीस्टार्ट होता है। दोस्तों दोनों फ़ोन को रीबूट या रीस्टार्ट करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस करके छोड़ देने हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर दोनों फ़ोन के रीबूट टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको Realme 10 Pro Plus 5G काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है रीबूट टेस्ट में एज कम्पेयर टू Realme 10 Pro 5G। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और देखते हैं किस फ़ोन की हमें स्पीड परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया है, हमने दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लिया है। अब अगर दोनों फ़ोन की स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको Realme 10 Pro Plus 5G काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Realme 10 Pro, क्योंकि दोस्तों Realme 10 Pro Plus 5G में आपको जो CPU मिलता है वह Snapdragon 695 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो यदि आप एक हैवी गेमर हो तो आप Realme 10 Pro Plus 5G को ले सकते हो, एंड यदि आप एक नॉर्मल एंड एवरेज यूजर हो तब आप Realme 10 Pro को भी ले सकते हो। दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फ़ोन के बीच रैम मैनेजमेंट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फ़ोन रैम मैनेजमेंट में आपको बेहतर देखने को मिलता है।
अगर दोस्तों दोनों फोन के रैम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फोन में सेम 6GB एंड 128GB का स्टोरेज मिलता है, फिर भी दोनों फोन का रैम मैनेजमेंट इतना बेकार है इसकी हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों फोन का रैम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल बेकार देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन के बैकग्राउंड पर एप्स तो बने हुए हैं लेकिन रीओपन यानी कि तुरंत ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा लोडिंग टाइम ले रहे हैं, या कहें कि दोबारा से ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों रैम मैनेजमेंट के मामले में दोनों फोन आपको बिल्कुल बेकार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बस यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।